Hey guys and welcome back to the channel. So guys, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही amazing सा dessert. इसके अंदर ना तो कोई gas use होएगी, okay? इसको ना means कोई बच्चा भी बना सकता है भाई. आप तो बहुत बड़े बड़े हो, आप तो आराम से ही बना लोगे. आपको तो अपनी मम्मी की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर. तो guys देखो, ना तो इसके अंदर gas है, okay? ना इसके अंदर हम yeast का use करेंगे. तो guys आज हम बना रहे हैं 3 ingredient pastry जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है. तो चलो मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हो. बट टिल देन प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़, ओके? एंड लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना चैनल को अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो. सो गाइज आज मैंने क्या किया, मैंने फ्रिज खोला, ओके? तो गाइज फ्रिज खोलते ही मेरे सामने मुझे दिखी ब्रेड पड़ी हुई है. तो मैंने क्या किया, 4-5 स्लाइसेस निकाल के उसकी जो ब्राउन ब्राउन वाली जो साइड्स होती है ना वो मैंने कट कर दी, ओके? तो गाइज उसके बाद मैंने एक ली कटोरी. शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी के डाले और उतना ही पानी डाल के उसको मिक्स करो गाइज. जब तक मिक्स करना, जब तक आपकी जो चीनी है ना वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए वाटर के अंदर. तो गाइज उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई थी व्हिप्ड क्रीम. मैंने व्हिप्ड क्रीम को यूज़ करके अपनी ये पेस्ट्री बनाई और ऐसे ऐसे ना ब्रेड्स की ना लेयर बना दी. अब गाइज अगर आपके पास घर में व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो मैं उसका इलाज बता देती हूँ कि आपको क्या करना है. सो गाइज जो अपना जो दूध होता है गाइज उसके ऊपर जो अपनी मोटी मोटी मलाई आती है ना भाई, वही वाली मोटी वाली मलाई लेके उसको ना आप चम्मच से अच्छे से फेटो इन द सेंस कि आप ना उसको अच्छे से मिक्स करो कॉन्टिन्यूसली. और फिर उसके अंदर जब वो क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाता है ना मलाई के अंदर, फिर उसके बाद गाइज आप ना अपनी चीनी ऐड करना थोड़ी सी और फिर से मिक्स करना जब तक आपकी चीनी मलाई के अंदर मिल ना जाए अच्छे से. और वो आप यूज़ करना, वो उससे भी बहुत अच्छा लगेगी आपको ये वाली पेस्ट्री. और उसके बाद गाइज क्या करना, ये सारा काम करने के बाद बीच में से कट करना अपनी ब्रेड को. और उसके बाद एक अपनी जो ब्रेड है, अगर आपके पास वाइट चॉकलेट पड़ी है ना तो उसको ग्रेट करके ऊपर चेरी लगा देना. तो गाइज ये जो मेरी चेरी है ना, मुझे पता कहाँ से मिली, मेरे पास ना बचा हुआ केक पड़ा हुआ था. मेरे भाई का 2-3 दिन पहले बर्थडे था, ठीक है, उस केक की वो केक बच गया था. तो फिर उसी की चेरी निकाल के मैंने इसके ऊपर लगा दी और दूसरे वाले पे मैंने स्प्रिंकलर्स लगा दिए थोड़े से. तो गाइज बताओ कैसा लगा आप लोगों को मेरा आइडिया. सो गाइज ऐसे अमेजिंग आइडियाज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, ओके? टिल देन बाय.